नमस्कार पटना सर, पटना का सबसे अच्छा विद्यालय बताइए लड़कियों के लिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसका जवाब अगर हम देना चाहें तो वो सबसे अच्छा जो लड़कियों के लिए बेस्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स एज वेल एज फॉर द बॉयज फॉर जूनियर क्लासेस इज NDA यानी नॉट ओडेन अकेडमी पटना। आप जान के चौंक जाएंगे कि इसका फी इतना कम है कि बहुत सारे पेरेंट्स तो सोच के भी एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं कि फीस बहुत महंगा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और सबसे अच्छी बात टीचर सेक्शन रेशियो इसका नंबर वन है। इसी कारण पूरे इंडिया में भी ये टॉप रैंक पर रैंक करता है और बिहार में तो रैंक नंबर वन पर ये रैंक कर ही रहा है। फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट पूरा माइक्रो डिटेलिंग आपको मिलने वाला है। इफ यू वांट योर किड्स योर गर्ल्स एज बॉयज टू गेट एडमिशन इन द NDA एकेडमी कैंडी पटना दिस वीडियो इज मार्वेलस। लेट्स साइन एकेडमी कैंडी पटना। तो आइए देखा जाए, आज हम बात करने वाले हैं NDA नॉट ओडेन अकेडमी पटना का पूरा माइक्रो डिटेलिंग, फी क्या है और ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। और आप चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन्स पटना के टॉप स्कूल में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए यहाँ पे क्या एडमिशन्स हैं सर। चार्जेस बहुत ही कम है, आप जान के चौंक जाएंगे कि ये टॉप स्कूल्स होने के बावजूद इनका फी स्ट्रक्चर बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए वरदान भी हो सकता है। क्लास वन और टू की बात की जाए तो एनुअल फीस जो है लगभग 42,450 रुपये क्लास वन और क्लास टू के बच्चों के लिए है। आई रिपीट, 42,450 रुपये आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे क्लास वन और टू के लिए। LKG का सर, LKG का ऑन एन एवरेज भी यही रहता है 42,450, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो है अकेडमिक सेशन 23-24 का है तो 1,000-2,000 मैक्सिमम ही इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अगर क्लास थ्री की बात की जाए तो 46,870 रुपये 46,870 आपको पे करना पड़ेगा, एनुअल फ़ी है ये। इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर लें लगभग 3500-3600 रुपये पर मंथ पड़ेगा चार्जेस, जो कि आप मिला सकते हैं पटना के और सभी वाले विद्यालय है उसको भी इकोनॉमिकली आप कितना फील करते हैं। और ऑन एन एवरेज हमको लगता है कि बेस्ट स्कूल बेस्ट फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट और बहुत ही अच्छा चार्जेस रखा गया है हमारे बच्चियों के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर क्लास फोर और एट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए जो पे करना पड़ेगा एनुअल चार्जेस वो है 46,770 रुपीज़ 46,770 रुपये। क्लास नाइन में पूरे साल का फीस है 51,570 रुपये, टेंथ के लिए 51,150 रुपये। 11 में एडमिशन लेना हो तो एनुअल चार्जेस यहाँ पे 49,000 यानी 49,250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। A11A, 11C, 11A फॉर आर्ट्स है, आर्ट्स के लिए यहाँ पे जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो 39,250 रुपये है। वही अगर आप कॉमर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 39,000 सेम है। साइंस के लिए 54,050 रुपये एक साल का फीस है। फिर 12 में भी आपका लगभग 53,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और 12C एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 53,550 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और साइंस से अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें तो उस क्लास में उस स्कूल में आपको 58,350 रुपये यानी 58,350 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये तो स्कूल का फी स्ट्रक्चर है। आइए जानते हैं स्कूल का पूरा कुंडली क्या है। प्रिंसिपल तो नंबर ऑफ़ टीचर्स की बात की जाए तो 73 टीचर्स यहाँ पे अभी जो है वो वर्किंग नेचर में है। PGT यानी पोस्ट के जो 11th 12th में पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या यहाँ पे 18 है। TGT यानी 10th ग्रेजुएट टीचर्स जो कि 10th तक पढ़ाते हैं उनकी संख्या यहाँ पे 24 है। PRT टीचर्स यहाँ पे 27 है। PTI यहाँ पे 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हर एक पेरेंट्स को हम निवेदन करना चाहेंगे, इस पे हर एक विद्यालय पे ध्यान देना चाहिए, क्या टीचर सेक्शन रेशियो है TSR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के विकास के लिए। इसको हम बोलते हैं टीचर सेक्शन रेशियो, जो कि 1:1.5 नेशन यानी लॉ है CBSE का। ये ज़रूर होना चाहिए और रियलिटी में भी पेरेंट्स को चेक करना चाहिए नामांकन लेने से पहले कि ये रेशियो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि सर TSR रेशियो क्या होता है। एक बार आइए यहाँ पर हम बोलते हैं इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं। ये 2010 का ही लेटर है जो कि CBSE बोर्ड का, आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें मेन TSR रेशियो का मकसद क्या है सर, उसको हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो जो TSR रेशियो होता है वो होता है टीचर की संख्या, जो टीचर्स हैं वो कितने होने चाहिए, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके चीज़ें देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो मिनिमम होना चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट
वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को भूल कर देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। आप पहले ही चेक कर लें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी नॉट वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा बच्चा, हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ठूसम ठूसी है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर एक सेक्शन में 60 बच्चे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है तो ये नेशनल स्टैंडर्ड से भी कम है, आपकी गुणवत्ता पर से भी खिलवाड़ है। और बच्चों को बस स्कूल लेके जाना और लेके आना है, जो कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे में कोई विकास ना हो। जो कि ऑप्टिमम नंबर दिया हुआ है सेक्शन, वो 40 बच्चों से ज़्यादा कोई सेक्शन में कोई विद्यालय बच्चों को रख रहा है। सचेत हो जाएं, उनसे बात करें, उनको ये दिखाएं और समझाएं कि ये लॉ नहीं बोलता है और वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट। हम अपने बच्चों के विकास के लिए पे करते हैं, ना कि ठूसम ठूसी की पढ़ाई के लिए पे करते हैं। ये चीज़ें आपको मुखर होकर बोलनी पड़ेगी, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि टीचर सेक्शन रेशियो जो है वो 30:1 का रेशियो होना चाहिए, 30 बच्चों पे एक टीचर होने ही चाहिए। और जो सेक्शन रेशियो है वो होना चाहिए 1:1.5, यानी एक सेक्शन पे लगभग 2। सो फॉर एग्जांपल 1A में एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 टीचर होने चाहिए। यहाँ 1:1.5 का रेशियो है, लगभग अनुपात में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस बातों को आपको ध्यान देना है कि टीचर वहाँ पे सही में है या नहीं है, उनकी गुणवत्ता क्या है, बच्चों की संख्या एक विद्यालय एक सेक्शन में कितनी है। ये हमारे बच्चों के विकास के लिए अहम योगदान प्ले करता है। अगर पेरेंट्स सचेत हो जाए, वो ध्यान देना स्टार्ट कर दे कि इस सेक्शन में इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, तो मजबूरन विद्यालय को टीचर को रखना पड़ेगा, उन्हें रखना पड़ेगा और इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत अति आवश्यक है। इस पे इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि टीचर सेक्शन रेशियोज सारे लॉ बना दिए गए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अटेंटिव नहीं हो पाते हैं। अगर इन बातों को पेरेंट्स जान जाए और अटेंटिवली फॉलो करने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा विद्यालय है जो इन चीज़ों को फॉलो ना कर पाए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रख गई हैं, इस पर जरूर ध्यान दें कोई विद्यालय से पहले कि रूल्स को वह फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 30:1 का रेशियो होना ही चाहिए और टीचर सेक्शन रेशियो 1:1.5 का रेशियो होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है तभी आप नामांकन ले, विदाउट नॉट पे फॉर दैट। उसके बाद हम बात करें कि सर क्या है डिटेल ऑफ स्पेशल एडुकेटर्स, वो 1 है यहाँ पे। और काउंसलर और वेलनेस टीचर भी हर एक विद्यालय में होना चाहिए, वो NDA फॉलो करता है। सो दिस स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल अमंग द गर्ल्स कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द बॉयज़ कैंडिडेट। ये क्या सर? हाँ सही में, यहाँ पे बच्चों को भी नामांकन यानी बॉयज़ का भी एडमिशन यहाँ पे होता है। बहुत सारे आप लोगों को लगता होगा सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 2 या 3 तक यहाँ पे बॉयज़ भी पढ़ते हैं। अगर इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द NDA नॉटोनम अकेडमी पटना, देन यू कैन फिल द फॉर्म विच इज़ कमिंग सून इन दिसंबर एंड जैन एंड बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। इफ़ यू नीड अ पर्सनल ट्रेनिंग, इफ़ यू नीड अ पर्सनल ट्यूटर एट योर होम, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। अगर हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो स्टार्ट है, हमारे दिए गए नंबर से कॉल करके और व्हाट्सएप करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।